तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजगार के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार ने पिछले महीने की 23 तारीख को तमाम विभागों के साथ बैठक की थी, तो एक बात स्पष्ट किया था कि अगले एक महीने में तमाम विसंगतियों को दूर करके झारखंड के युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। एक महीना पूरा होने वाला है, मात्र 3 दिन ही बचे हैं, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीटर टू चैनल से जुड़ रहे हैं सुशांत जी। स्थानीय बेरोजगार मोर्चा नामक संगठन बनाकर बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए मशहूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रणव सिंह जी। प्रणव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सुशांत जी आपका। जी नमस्कार सर। सुशांत जी, सबसे पहले तो शुरुआत हम आपसे करेंगे। पिछली बार भी जब हमने रोजगार के मुद्दे पर बात करने का प्रयास किया था तो एक आम राय निकलकर सामने आई थी कि सरकार को वादों के अलावे आगे बढ़कर जमीनी धरातल पर काम करना होगा। एक महीने का वादा किया था हेमंत सरकार ने, 23 तारीख को पूरे होने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको, कुछ उम्मीद नजर आ रही है सर? देखिए, झारखंड में जो सरकार है और जो लोग हैं उन सरकार में से जो पार्टियां हैं उनमें ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि हमने अपने लोगों के साथ बैठकें की है, सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं, और उनको निर्देश दिया है कि 30 दिनों के अंदर अंदर, एक माह के भीतर भीतर, वो जो भी विसंगतियां हैं उसको दूर कर लिया जाए, उसके बाद जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो कोई उसमें प्रोग्रेस जैसा चीज़ दिखता नहीं है। और सरकार के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई बोल रहे हैं कि स्थानीय नीति अभी तक नहीं बनी है, तो क्या आप बिना स्थानीय नीति बनाए सरकार ला देगा जो रोजगार का जो है वो निकाल देगा? ये तो देखने वाली बात होगी, अभी तक तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। चलिए प्रणव सिंह जी से इस पर राय ले लेते हैं थोड़ा सा। प्रणव जी, स्थानीय बेरोजगार मोर्चा नामक संगठन आप चला रहे हैं, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, अभी इन्होंने जिस स्थानीय नीति की बात की, आपको लगता है कि स्थानीय नीति के बिना, जो अभी पिछले दिनों देखा गया कि 75% निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात सरकार ने की थी, तो बिना कोई स्थानीय नीति के इस तरह की चीजें, क्या नियोजन नीति भी नहीं आ रही है? स्थानीय नीति को भी हेमंत सरकार ने कहा था कि डिफाइन करेंगे, आपको क्या लगता है इस संदर्भ में? देखिए अमरेंद्र जी, विसंगतियां जो सो आते रहती हैं, ठीक है, और सरकार इस तरह की बातें बोल करके, एक तरह से कहिए तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस सब चीजों को जो रखती, ठीक है, कि हमारे यहाँ स्थानीय नीति हमारे यहाँ बनना है, हमारे यहाँ ये बनना है, फिर जो सो कहेंगे कि जो सो कोरोना को लेकर के जो सो हम लोग इस तरह की समस्याओं से जो सो जूझ रहे हैं, इसलिए जो है रोजगार हम नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, या विकास में जो सो बाधाएँ हो रही हैं। थोड़ी सोचने वाली बात है कि कोरोना तो आया, सही बात है, हम लोग इससे जो सो जूझ रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग आम जन समस्याओं को जो छोड़ दिए? क्या हमने खाना छोड़ दिया? क्या हमने घर चलाना छोड़ दिया, या सरकार अपना चलाना छोड़ दी? सरकार ये सब बोल करके ये जो सो युवाओं को भटकाने का कार्य कर रही है, जनता को बरगलाने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन जी के यह मेमोरेंडम में था कि जो सो स्थानीय नीति को जो सो हम लागू करेंगे। यह सिर्फ जो सो हेमंत सोरेन जी की ही सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष होकर के मैं सारे सरकार की बात कर रहा हूँ। जब से यह झारखंड अलग हुआ तब से हमारा प्रदेश यदि चाहता इस दिशा में यदि काम करती तो आज झारखंड के एक एक युवा रोजगार के लिए जो है को कहीं विदेश में जो या दूसरे राज्य में जो सो पलायन करना नहीं पड़ता। चलिए, हमारे आज भी प्रवासी मजदूर जिस तरह से लाया गया उसी तरह से यहाँ पे रोजगार के अभाव में उन्हें जो सो घर छोड़ करके फिर इसी कोरोना में जो सो जाना पड़ा बाहर। जी सुशांत जी से, प्रणव जी सुशांत जी से इस पर टिप्पणी ले लेते हैं। सुशांत जी, सरकार क्या बिना नियोजन नीति के कोई नियोजन अभी करने के पक्ष में नहीं है, या फिर आखिर इसमें क्यों इतना विलंब लग रहा है? और दूसरी जो मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि कोरोना
को किस रूप में आप कोरोना का कितना बड़ा जिम्मेदारी जो है इस बीच मानते हैं, खास करके रोजगार उपलब्धता के मसले पर? देखिए, मैं पहले आपका दूसरा क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर दे देता हूँ कि कोरोना किस तरह इम्पैक्ट किया है रोजगार पे। तो ये सच्चाई है, दुनिया की कोई भी सरकार है, चाइना को छोड़ दीजिए जहां से खुद वायरस आया, वो तो प्रगति कर ही रहा है, रिमेनिंग दुनिया की सभी कंट्री इससे पीड़ित है, नो डाउट अबाउट इट। सभी की इकोनॉमी, जो भी अर्थव्यवस्था है, वो खस्ताहाल हो गई है, और सरकार को जो कर आते हैं वो कर उस तरह से नहीं आ रहे जो कोरोना से पहले सरकार को आते थे। लेकिन सारी चीजें की समस्या है, कंपनियां बंद हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार भी ये कह के, मतलब सरकार सारी चीजें ये कह के नहीं कर सकती कि सिर्फ कोरोना के कारण, कोरोना का इम्पैक्ट के कारण हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, या इसके कारण रोजगार पे जो हम निकालते हैं, नियुक्तियां निकालते हैं, उस पर प्रभाव पड़ा है। क्योंकि देखिए, झारखंड का पड़ोसी राज्य बिहार, और एक जमाने में झारखंड और बिहार एक ही हुआ करता था, तो जैसे ही कोरोना की जो केसेस है वो कमे, तो बिहार में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे कि वहाँ 94,000 टीचर का जो वैकेंसी निकला था उसको ऑलरेडी काउंसलिंग शुरू हो गया है, और 94 में से 40-50 हज़ार लोगों को ऑलरेडी लिया जा चुका है, और दो तारीख से 5 तारीख तक और भी प्रक्रिया चलेगी। तो देखिए, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जितने रिक्तियां हैं वो सारे अभी तुरंत नहीं भरे जा सकते, सरकार की भी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन उसमें से कुछ नियुक्तियों को भरे जा सकते हैं, और जैसे जैसे सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सरकार उन नियुक्तियों के भी भरने की कोशिश करे। आपका दूसरा पार्ट है कि स्थानीय नीति को लेके, तो देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड बने हुए 20 साल से ऊपर हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ की जो लोग हैं उनको ये नहीं बताया गया कि आखिर झारखंडी है कौन। स्थानीय नीति का मतलब यही हुआ कि झारखंडी है कौन, अभी तक ये नहीं बताया गया। जब बाबूलाल मरांडी, अभी तक दो मुख्यमंत्रियों ने ये कोशिश की है कि स्थानीय नीति को डिफाइन किया जाए, मतलब वो झारखंडी कौन कौन है उनको बताया जाए जनता को। तो एक थे बाबूलाल मरांडी, 1964 में स्थानीय नीति डिफाइन कर दिए, मतलब कि झारखंडी कौन है, झारखंड में मतलब जो लोग रहेंगे उनको रिजर्वेशन और सारी चीज का फायदा मिलेगा। तो बाबूलाल मरांडी ने जो कट ऑफ रखा था 1964 का रखा था, ठीक है, लेकिन बाबूलाल मरांडी आप सभी जानते हैं कि जब तब बीजेपी में थे बाबूलाल मरांडी, तो बाबूलाल मरांडी अपने ही पार्टी में अनपॉपुलर हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो पलायन करके झारखंड आए, और ये न सिर्फ झारखंड में है बल्कि भारत के सभी राज्यों में है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। और अगर उठा के देखा जाए, इतिहास उठा के देखा जाए, तो हर एक लोग कहीं ना कहीं से पलायन करके ही एक अपने जगह पे आए हैं, सच्चाई यही है। हाँ, वो हो सकता है कि 50 वर्ष पहले आए, 30 वर्ष पहले आए, 2000 साल पहले आए, लेकिन पलायन सभी किए हैं। अब मैं बातें आता हूँ कि उसके बाद फिर रघुबर दास ने जो कट ऑफ नीति निकाली 1985 को लेकर, अब ये सरकार आई कि हम इसको बदल देंगे, आप सभी जानते हैं, सरकार भी बोल चुकी है, लेकिन सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार कट ऑफ डेट क्या रखे। अगर सरकार कट ऑफ डेट 1932 रखती है ना, तो बहुत सारे लोग जो पलायन करके आएंगे वो तो झारखंडी होंगे ही नहीं, वो तो स्थानीय का दर्जा मिलेगा नहीं, और ये संख्या में बहुत है, ऐसा नहीं कि इनकी संख्या कम है। तो कहीं ना कहीं सरकार असमंजस में है कि कट ऑफ डेट क्या रखा जाए, क्या रखा जाए, और इसके आड़ में लेके एक तरह से कहिए कि भाई जब स्थानीय नीति आएगी तो उसको आड़ में लेके सरकार नियोजन की प्रक्रिया है जो शुरू नहीं कर रही है, और सरकार के अंदर खाने भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, जैसे कि कांग्रेस में कुछ उठा पटक हो रहा है, तो वो भी एक कारण। प्रणव जी आपकी आपकी टिप्पणी इस पे ले लेते हैं सर। पहले अमरेंद्र जी, मैंने पहले ही बोला था कि जो सो देखिए, विसंगति जो है सो आते रहेगी, ठीक है, चाहे सरकार किसी की भी हो, ठीक है, विसंगति तो आएगी ही आएगी, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। यदि हम भाजपा, जयमम, कांग्रेस की यदि बात करें, तो हम लोग कभी भी अपने अधिकार को जो सो नहीं ले सकेंगे। आज यदि हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों के दबाव में और हम लोगों के साथ जो सो कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी जो सो विधानसभा में मुद्दा उठाया था, मैं जो सो वैसे जनप्रतिनिधि का मैं नाम भी जो सो ले रहा हूँ, प्रदीप यादव जी जो पड़िया आठ के जो सो विधायक हैं, और गोड्डा के विधायक अमित मंडल जी, इन दोनों ने प्रमुखता के साथ स्थानीय रोजगार युवाओं के लिए जो सो आवाज़ उठाया था विधानसभा में।
जिसका आज और देवघर एम्स हवाई अड्डा पे जो कुछ बेरोजगार युवा साथियों ने जो आंदोलन किया था उसके आधार पर आज हेमंत सोरेन जी ने एम्स को जो चिट्ठी लिखी कि स्थानीयता के आधार पे युवाओं को जो सो वहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो, यह सिर्फ एम्स के लिए ही नहीं, यह राजमहल परियोजना के लिए क्यों नहीं हुआ, यह अडानी के लिए क्यों नहीं हुआ, यह हवाई अड्डा के लिए क्यों नहीं हुआ, यह आदेश जो सो यह चिट्ठी हर एक विभाग के लिए अलग अलग क्यों निकाला जा रहा है? नहीं नहीं, इस पर तो झारखंड में इस पर तो एक एक्ट भी लाया गया ना कि निजी क्षेत्रों में हम 75% लोगों को यहीं के 30,000 से कम जिसकी सैलरी हो यहाँ के लोगों को नौकरी देने का प्रयास करेंगे। नहीं देखिए, पहले तो आप लागू कीजिए, 30,000 की बात तो पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, पहले आप अपने हमारी जो मांगे हैं उसको जो सो आप लागू कीजिए कि जितने भी निजी संस्थान हैं या सरकारी संस्थान हैं, जितने भी उद्यम हैं जहाँ पे कि रोजगार उपलब्ध हो पा रहा है वहाँ पे जो सो स्थानीय नीति के आधार पे 75% कम से कम युवाओं को जो सो रोजगार उपलब्ध हो। आप कोरोना तो की बात युवाओं ने जो कही थी प्रणव जी, मान लीजिए कि स्किल्ड व्यक्ति अगर झारखंड में नहीं मिल रहा है तो फिर 75% कैसे भरा जाएगा? यह तो दुर्भाग्य है जो सो हमारे झारखंड के सरकार का, जो कि हमारी योग्यताओं को जो सो बोल रहे हैं कि वो सो स्किल्ड हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। आगे हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर यदि नहीं है, यदि स्किल्ड कार्य करने वाले लोग नहीं है तो बाहर प्रदेशों में कैसे जो सो वो स्किल्ड हैं? चलिए सुशांत जी, आपसे राय ले लेते हैं। प्रणव जी का कहना है कि जब स्किल्ड लेबर नहीं है तो फिर बाहर क्यों ले जाया जाता है? BRO पिछले दिनों आपने देखा होगा कोरोना काल में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन झारखंड आता है और यहाँ से लेबर को झारखंड के लेबर को लेके जाता है काम कराने के लिए। देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि उनकी जो सारी चीजें थी मैं उसको राजनीति से परे हट के देखता हूँ, ठीक है? मैं इकोनॉमी कैपिटलिज्म जो चलता है आप कहने मैं उस पे जाता हूँ, क्योंकि अब दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है, चाइना कहता है कि हम जो है कम्युनिज्म फॉलो करते हैं लेकिन वो भी कैपिटलिज्म पे ही चलता है, तो दुनिया की अभी जितनी अर्थव्यवस्था है वो कैपिटलिज्म पे चलता है, तो उसमें होता क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। राजनीति से परे हटते हुए कोई भी कंपनी जितने भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो अपना इन्वेस्टमेंट लगाती है जहाँ पे, वो वहीं जाती है जहाँ पे सरकार उनको बेनिफिट देती है और सरकार उनको आज़ादी देती है कि उनको कौन से लेबर चाहिए, उनको कौन से इंजीनियर चाहिए, उनको कौन से अपने मैनेजर हो गए, GM हो गए, वो जो भी हैं वो उनको आज़ादी देती है कि वो अपने हिसाब से चूज करें, क्योंकि कंपनी प्राइवेट कंपनी है, जहां उसको आज़ादी रहेगी वहीं जाके ये लोग अपना काम करेंगे। एक चीज़ तो ये हुआ, साथ ही साथ ये दुनिया के सारी कंट्री में होता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा आज़ादी मिलता है चाइना में, तो एक ज़माने में ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, लगभग 1990 के आसपास हम और चाइना लगभग एक ही समान थे, इंडिया और चाइना एक ही समान थे, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने हर एक चीजें दिया जो उन्होंने मांगा तो सारी कंपनियां चाइना चले गए। अब मैं बात आता हूँ झारखंड को लेकर कि यह स्थानीय नीति के बारे में, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है, निजी क्षेत्र है, उनमें भी 75% स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। अब जब कंपनी आपके यहाँ आएगी, ठीक है, अब कंपनी आएगी तो कंपनी जो लोग हैं उनको इस लायक बना दीजिए। देखिए कोई कंपनी नहीं चाहती है कि हम बाहर से लाके लोगों को अपने यहाँ काम में लगाएं, क्योंकि जो निजी लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, वो उनको डेली बेसिस पे भी मिल जाते हैं और चीप लेबर भी होता है। अगर वो बाहर से लोगों को ला रहे हैं तो उनको 25,000 अगर वो 25,000 दे रहे हैं बाहर से लाए लोगों को, क्योंकि बाहर से कोई घर बार छोड़ के आएगा तो उनको सारे चीज़ वहाँ रखना होगा, तो लोकल 20,000 में तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उन पे वहाँ पे उनका घर भी होता है और भी सारी चीज़ें होती है, तो लोकल उतने तो कंपनी चाहती है कि लोकल को लें। लेकिन अस्किल्ड लेबर है जो एक्सपर्टीज लेबर है, उन सब लेबर की बात ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, और भी जो क्षेत्र के, ऐसा नहीं है कि खाली लेबर काम करते हैं, और भी लोग काम करते हैं, तो ये सारी चीजें ऊपर के जो कर्मचारी हैं, हाँ, और सिर्फ सभी लोगों को, तो कंपनियों को जब तक आजादी आप नहीं दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक ममता बनर्जी जब सरकार में नहीं थी, पश्चिम बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ, जब उदय भट्टाचार्य बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, तो ममता बनर्जी इसी कह के पावर में आई थी, टाटा का लखटकिया कार आप सभी जानते हैं, नैनो वाला जो था वो सिंगूर में लगाया गया था टाटा के द्वारा, कम्युनिस्ट का जो विचारधारा है, वाम दलों का जो विचारधारा है उसके खिलाफ जाके वाम दलों ने लगाया, क्योंकि आपको अगर विकास करना है तो जिस तरह से दुनिया चलती है उस तरह से चलना होगा, आंधी में वही पेड़ खड़ा रहता है जो पेड़ झुकता है समय के साथ,
चेंज आती है, वही खड़ा रहता है पेड़। तो इसी क्रम में क्या है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपने विचारधारा के खिलाफ जाके टाटा के नैनो का वहां पे प्लांट लगवाया सिंगूर में, लेकिन ममता बनर्जी ने इतना विरोध किया उसका कि टाटा जैसे कंपनी को अपना प्लांट उठा लेना पड़ा वहां से। और तब के जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया, अपने आप फ्री वो जमीनें दी और भी बहुत सारे वो दे दी, जिसके कारण क्या हुआ, ये लोग चले गए कहाँ पे, ये जो टाटा वाली लगटकिया कार थी ये चले गई गुजरात। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हाथ पर जोड़ते रहती, अभी भी आप जान रहे हैं कि जो पार्थ चटर्जी हैं, उन्हीं के जो विधायक हैं, उन्हीं के जो नेता हैं, अब वो लोग कितना भी कोशिश करते हैं कि नए कंपनियां आके आपके यहाँ लगाए, आपके यहाँ नहीं लगाएगी। तो कंपनियों को आज़ादी देना होता है, जब तक आज़ादी कंपनियों को नहीं दीजिएगा कंपनी आपके यहाँ नहीं आएगी। चलिए प्रणव जी एक बात बताइए कि ये जो फिर कौशल विकास की जो नीतियां चल रही है देश में, उससे लग रहा है आपको कि लेबर का सही में विकास हो रहा है या फिर इसके आड़ में जो है करप्शन हावी हो जा रहा है सेंटर्स पे? देखिए यह योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, ठीक है, लेकिन इस योजनाओं में सिर्फ लूट का ही जो सो धंधा चल रहा है, ठीक है। कितने कौशल विकास योजनाओं से में कितने लोगों को प्रशिक्षित कर कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं, इसका कोई आंकड़ा भी सरकारें नहीं देती है, नहीं वो गुप्त कर। दोस्तों अब हम कंक्लूजन की ओर ले चलते हैं इस, क्योंकि ये डिबेट भी काफी लंबी हो रही है। प्रणव जी आप मुझे ये बताइए कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लग रही है, जो उद्योग धंधे का हैं, एयरपोर्ट्स जो खुल रहे हैं, एम्स खुल रहा है, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, आखिर यहाँ पर स्थानीय को महत्व क्या लगता है आपको कि हेमंत सरकार दिला पाएगी? जिस तरीके से हेमंत सोरेन साहब ने एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एम्स के रिगार्डिंग। देखिए अमरेंद्र जी, मैं सिर्फ सरकार पे सवालिया निशान नहीं उठाऊंगा, ठीक है, दोषी सरकार भी है और दोषी स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है। हमारे यहाँ जितने भी बड़ी बड़ी योजनाएं आई और जो भी अभी कार्यरत हैं, जैसे ECL है हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्थान है, हमारे यहाँ अडानी शुरू हो गया, अब होने की स्थिति में है, हमारे यहाँ हवाई अड्डा बन गया, हमारे यहाँ एम्स बन गया, हमारे यहाँ इंडियन ऑयल है, यानी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात यदि हम करें तो रोजगार के इतने अधिक संसाधन होने के बावजूद भी स्थानीय युवाओं को रोजगार वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। हमारा यह कहना नहीं है कि आप जो सो हमें जो है अडानी के जो सो शीर्ष नेतृत्व पर दें, हमको जो सो हवाई अड्डा के शीर्ष नेतृत्व पर दें, ठीक है। प्रणव जी इसका समाधान बताइए, बिल्कुल बिल्कुल इसका क्या समाधान हो सकता है? मैं समाधान की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी जितने भी संस्थान आए उसमें जो सो आने से पहले हमारे माननीय सांसद ने भी जो है पेपर के माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भी पेपर के माध्यम से यह जो सो घोषणाएँ की गई कि अडानी आ रहा है, इसमें जो 10,000 युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, हवाई अड्डा पे जो सो 3,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंडियन ऑयल में भी जो सो युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्लास्टिक पार्क में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ जो सो स्थानीय युवाओं को छलने के लिए जो सो सिर्फ यह घोषणाएँ की गई थी पेपर के माध्यम से। आज अडानी पे भी कम से कम 12,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को वहाँ पे स्थान नहीं मिला है। राजमाल परियोजनाओं में रोज जो सो स्थानीयता के आधार पे लड़ी जा रही है, लेकिन वहाँ पे भी स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारा कहने का एक ही पर्पस है, मकसद है कि यदि हमारी योग्यताएँ हैं कि जो है मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, हमारे पास में डिग्री है, तो जो सो हमको वहाँ पे जो सो वैसे जगह पे नौकरी दिया जाए, और यदि हमारी योग्यता नहीं है, हमारा फोर्थ ग्रेड का ही जो सो यदि योग्यता है, हम चपरासी ही बन सकते हैं, तो हमको चपरासी की नौकरी दी जाए, लेकिन यह स्थानीयता के आधार पे रोजगार मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए दोषी हेमंत सोरेन भी हैं, हमारी सरकार है, हमारी पूर्व सरकार है और हमारे जनप्रतिनिधि हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक चीज मैं सुशांत जी से पूछना चाहूंगा। बोलिए बोलिए सर। लगता है कि मतलब ये जो रोजगार का मुद्दा है, ये सरकार 5 साल, क्योंकि बहुमत में सरकार है, अगर कुछ अनहोनी नहीं होती तो ये 5 साल चलेगी,
आपको लगता है कि रोजगार सृजन जो है, जहाँ पर लगातार जब से झारखंड अलग राज्य बना है, रोजगार सृजन हमेशा से एक मुद्दा रहा है, क्योंकि सिर्फ झारखंड की बात नहीं, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पलायन एक बहुत बड़ा दर्द रहा है। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, और इसकी तस्वीरें आपको भी विचलित जरूर किया होगा। लॉकडाउन के समय जिस तरीके से पैदल मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे थे, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में रोजगार सृजन पर कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, जो सारी चीज़ें हैं इसको वृहद पैमाने पे आपको देखना होगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया। तो जो भी सरकारें हैं, देखिए झारखंड में हम बात कर रहे हैं रोजगार की, जो इंडिया का मिनरल हार्टलैंड्स बोला जाता है ना, जहाँ भारत के लगभग सभी खनिज मिलते हैं, जिस झारखंड में, उस झारखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है, ये सारी चीज़ें देखना होगा। झारखंड के मिनरल से, झारखंड के खनिज पदार्थ से भारत के बहुत सारे कंपनियां चलती है, चाहे वो कंपनियां गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे देश के और भी क्षेत्रों में हो, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी चलती है। जब भारत एक्सपोर्ट करता है तो उसमें झारखंड का, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अभी भारत ने एक पावर प्लांट बनाया, थर्मल पावर प्लांट बनाया, कहाँ जाके, बांग्लादेश में, और उसका जो कोयला है वो कोयला जा रहा है धनबाद से। तो झारखंड के खनिज पदार्थ से दुनिया में रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन झारखंड में नहीं मिल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे बड़ी चीजें हैं सरकार की उदासीनता। हमारे यहाँ होता, देखिए, कंपनियों को आप फोर्स नहीं कर सकते कि प्राइवेट कंपनी आपके यहाँ कंपनी आके लगाएगी। कंपनी को आप बोलिएगा कि हम ये फायदे दे सकते हैं, ये फायदे दे सकते हैं, ये फायदे, जैसे कि कंपनी को बोलिए कि हम जमीन फ्री में देंगे, अगर आप नहीं दीजिएगा तो दूसरा राज्य देने के लिए तैयार रहता है। जैसे यूपी, इस बार यूपी ने, आप मानिए ना मानिए, हो सकता है योगी जी से मतभेद हो, उनके जो कार्यशैली है उनसे मतभेद हो, लेकिन रोजगार सृजन में, खासकर प्राइवेट कंपनियों को इन्वेस्टमेंट लाने में, उनका एक अच्छा कार्यकाल रहा है इस बार का। सैमसंग जैसे कंपनी आके लगी नोएडा में, और कुछ कंपनियां तो चाइना से निकल के आई उत्तर प्रदेश में। तो वही मैं बोला कि आपको कंपनियों को बताना होगा कि हम आपको ये चीजें देंगे, है ना, आप आके हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, लेकिन साथ ही साथ कंपनियों को ये फोर्स नहीं कर सकते आप कि हमारे लोकल लोगों को आप लीजिए, साथ ही साथ हम जो करें उनको आप सेलेक्ट करिए। ये प्राइवेट कंपनी है, ये नहीं कर सकती। कंपनी जिनको चाहेगी उनको चूज करेगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपके यहाँ कंपनियों को सारा जो है स्किल्ड लेबर मिल जाएगा, तो कंपनी बाहर से नहीं लाएगी स्किल्ड लेबर को, क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूँ कंपनी बाहर से लोगों को लाती है। तो फिर यहाँ पे स्किल्ड करने की जरूरत है, हाँ, को? यहाँ है ना कि कंपनी के पास में एक सीएसआर फंड होता तो है। तो भैया फिर स्किल्ड करने में तो समय लगेगा ना, एक लंबा समय लग जाएगा। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, सुनिए, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। जी, एक मिनट प्रणव जी, एक मिनट सुशांत जी को थोड़ा सा समय देते हैं हम लोग। सुशांत जी ने जो मुद्दा उठाया है कि कंपनियां जो है चाहती हैं कि वो अपने हिसाब से थोड़ी उनको आजादी मिले, लेकिन अब बात स्किल्ड लेबर के, तो फिर इसमें कितना प्रोसेस लगेगा और क्या करना होगा इसके लिए? देखिए क्या है, आप जिस तरह का कंपनियां ला रहे हैं उस तरह का स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है। आप मान लीजिए आप कंपनी ला रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, ठीक है, वो कपड़े वाली कंपनी है, आप वहाँ, आपका वहाँ पे स्किल्ड लेबर है, फार्मेसी वाले हैं, दवाई फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो काम करेंगे, तो फिर क्या फायदा है? वो तो लेबर को थोड़ी दे सकते हैं रोजगार। हो आप कहिएगा कि हमारे फार्मास्यूटिकल वाले को टेक्सटाइल वाला ले ले, तो कहाँ से लेगा वो आएगा तो 10-20 साल देख के आता है, सब कुछ सोच के आता है। तो आप जिस तरह का लेबर है आपके पास, जिस तरह का स्किल्ड लेबर है, उस तरह की कंपनियां लाइए, साथ ही साथ लोगों को स्किल दीजिए। कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि हम बाहर से लोगों को लाएं, अगर हमको चीप लेबर मिल रहा है तो। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणव जी, आपका अंतिम कमेंट ले लेते हैं। मेरा कहना है अमरन जी कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखिए, हर एक कंपनी के पास में सीएसआर फंड होता है, जिससे कि क्षेत्र के, जिस जगह पे रोजगार चला किया जा रहा है, वहाँ के नज़दीक के लोगों को जो है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य से संबंधित जो सो, और जो है रोजगार स्किल्ड के लिए जो सो वह फंड जो सो बनाया जाता है, ठीक है। तो जब आप यदि किसी तरह की कंपनी आप लगा रहे हैं, तो सीएसआर फंड को जो सो स्थानीय लोगों के उसको प्रशिक्षित करने के लिए जो सो आप उसमें कीजिए। मैं अमरन जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जब बैंकिंग सेक्टर में
पहले तो हम लोग पैसा जमा करने के लिए जाते थे या निकासी के लिए जाते थे तो उसको तीन जगह रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता था। कैशियर जो सो मेंटेन करता था कि हमने कितना रुपया जो सो किस खाते से निकाला और कितना उसको रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता था कि नहीं, लॉग बुक में जो सो लिखा जाता था उसको। और उसके बाद जो सो रोज रात में ऑफिस ड्यूटी खत्म होने के बाद वो जो सो मिलान करता था और कितना रुपया आया और कितना रुपया जो सो गया उसको जो सो करके उस सेम डेट में क्लोज करता था। क्या जब कंप्यूटर युग आया, आज सारे बैंक में जो सो ऑनलाइन सारा कार्य हो रहा है, क्या वैसे कर्मचारियों को निकाल दिया गया क्या कि उसको प्रशिक्षित किया गया, उस लायक बनाया उसको प्रशिक्षित किया गया, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके जो है और उसको उतना काबिल बनाया गया कि वह जो सो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सके। चलिए एक लास्ट कमेंट मेरा है जो ये बोल रहे हैं उस पे देखिए, ये जो बोल रहे हैं जी, जी उसको प्रशिक्षित किया गया, वो सारी चीज किया गया, ये प्राइवेट कंपनियां है, सरकारी नहीं है, इसलिए सरकारी कंपनियां घाटे में होती है। ज्यादातर कंपनियां सरकारी घाटे में होती है। प्राइवेट कंपनी आपको लोगों को जब उसको कहीं चीप लेबर मिल जा रहा है दूसरे जगह पे तो फिर आपको प्रशिक्षण क्यों देगा वो, है ना। तो और एक चीज और मैं बोल देता हूँ लास्ट में कि जो रोजगार कंपनी आती है तो सिर्फ रोजगार लेके नहीं आती कि लोकल को रोजगार देगी, कंपनी आएगी तो आपके यहाँ जमीन के दाम बढ़ेंगे, जो कमरे होंगे मकान होंगे उसमें रेंट लगेंगे, जो यातायात के साधन है वो उद्योग चमकेगा। मिलेगा सिर्फ क्या नहीं, और भी मिलेगा, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप उस लायक बना दीजिए। दूध स्थानीय युवा से दूध और सब्जी बेचेंगे उस कंपनी के गेट के बाहर जाकर के बाहरी कर्मचारियों के लिए। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये एक बृहद बृहद विषय है कि प्रशिक्षण भी देना जरूरी है और साथ में साथ वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी संभावनाएं तलाशना जरूरी है। आज जो सो कहलगांव नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जहाँ पे है कहलगांव में, वहाँ के अगल बगल स्थिति जब आप जाएंगे अमरेंद्र जी, आप तो गुजरते होंगे वहाँ पे, देखते होंगे स्थिति, रोड की स्थिति, डस्ट और जो सो वहाँ की व्यवस्था, आम जनता जो सो त्रस्त है। और जब आप NTPC के दायरे वाले क्षेत्र में जब प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि हम स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, माँ की चौड़ी चौड़ी। चलिए समय की कमी है, थोड़ी समय की कमी, हम फिर आप लोगों से चर्चा में जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी अपने विचार रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव सिंह जी अपने विचार रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और सभी लोगों